तो गाइस मेल तो सामने ही बैठा हुआ है और ये काट भी रहा है। तो गाइस दो अंडे आप लोग देख सकते हो, गाइस दो अंडे बर्ड्स ने ले किया है और ये रहा इसका होता है वो भी दिया। बजी से गाइस ब्रीड लेने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका होगा कॉलोनी, क्योंकि इस सीजन का मतलब इस साल का तीसरा क्लच ये चल रहा है। दो दो क्लच इसने बहुत अच्छी तरीके से मतलब निकाला है, अभी ये तीसरा क्लच चल रहा है। अभी क्या है ये सब यार, कितना नदी में बाढ़ आ चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो पूरे बारिश का जो दिन चल रहा है। अभी एक हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी कभी बारिश रुक रहा है और कभी कभी इतना तेज बारिश दे रहा है दोस्तों, आप बाढ़ देख सकते हो नदी का। तो गाइस बारिश के टाइम बर्ड्स को भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ अपने केज के और जो इम्पोर्टेंट जो नोटिस होते हैं बर्ड्स को देखभाल करने के लिए, वो चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और कुछ दोस्तों ने हमें जो है कमेंट किया है बजीस का ब्रीडिंग के लिए, मतलब बजीस का ब्रीडिंग का भी अपडेट देने के लिए, क्या बजीस किस तरीके से ब्रीड करता है और उसका ब्रीडिंग का कुछ फॉर्मूला बताएंगे। और ये रहा दोस्तों मेरा कॉकोटेल्स, जो इसका मेल जो है अंदर है दोस्तों, अंदर इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस फीमेल ने अंडे दे दिया है और शायद दो अंडे दे चुके हैं। नीचे वाले बर्ड्स जो है रेडी हो रहा है ब्रीड करने के लिए, क्योंकि ये बार बार बॉक्स के अंदर जा रहा है और बॉक्स के अंदर बहुत देर तक बिता रहा है। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फ्रेंचेस, इसने भी जो है अपना नेस्टिंग बना लिया है अंडे देने के लिए। और गाइस इस वाले बजीज जो है ऑलरेडी पहले बार ब्रीड किया था, अंडे जो दिया था छोटे छोटे अंडे था, और अभी शायद कुछ दिन बाद अंडे ये भी देने वाला है, आप देख सकते हो। और इस साइड में बजीज जो रखा हुआ है ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है ठंड लग चुका है, तो इसको भी हम केयर करेंगे और ये भी ब्रीड करने वाला था। हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ मैं सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पेट केयर होम में। आप सभी का मतलब बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था, उस कमेंट का रिप्लाई देंगे और दोस्तों साथ ही साथ बर्ड्स का ब्रीडिंग का भी अपडेट देंगे और ब्रीडिंग के फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को, अपने बर्ड्स के केज में इस तरीके से हीट बल्ब, दोस्तों इस तरीके से हीट बल्ब मिलता है 100 वाट का या 60 वाट का, आप 60 वाट का ट्राई करो, बर्ड्स के केज में लगा के रखो एक घंटे दो घंटे के लिए, सुबह और शाम को आप जला के रखो, थोड़ी देर बाद एक घंटे जलाओ ताकि उसका केज जो है बहुत ज़्यादा गर्म रहे, क्योंकि इस तरीके से अगर बारिश का माहौल अगर होगा तो बर्ड्स को ठंड लग सकता है। और एक इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले ये रहा बॉयल एग, तो पहले इसको डाइट दे देते हैं इन सभी को, क्योंकि डाइट देना सही होता है सुबह सुबह, क्योंकि रात भर ये लोग नहीं खाते हैं कुछ, और सुबह इनको डाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बारिश के टाइम में सॉफ्ट फूड मतलब भिगा हुआ फूड मैं कम यूज़ करता हूँ, इस तरीके से एग फूड ही ज़्यादातर देता हूँ ताकि उसका हेल्थ बना रहे और ब्रीडिंग करने में बहुत आसानी हो। तो चलिए गाइस पहले इसको डाइट देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। तो गाइस बॉयल एग जो था मैंने रेस्ट कर लिया, देख सकते हो आप लोग, और इसका पानी, दोनों चीज़ पहले अच्छी तरीके से एवरी डे दोस्तों आपको पानी चेंज करना है और इस तरीके से आपको फूड देना है। तो चलिए मैं सब इनको सर्व कर देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं बजीस से शुरू करूँगा, बजीस को मैंने एक फूड दिया और साथ ही साथ तुलसी का जो पत्ता होता है वो भी दिया। बजीस से गाइस ब्रीड लेने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका होगा कॉलोनी, क्योंकि बजीस जो है बहुत ज़्यादा कंगनी सीड जो है खाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा नॉइसी बर्ड है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ आप लोग कॉलोनी में ब्रीड लो, क्योंकि मेरे पास जगह कम है और मैं अभी केजेस में ब्रीड ले रहा हूँ। मेरा मास्टर केज रेडी होने के बाद मैंने कुछ सोचा है उधर भी मैं कुछ हेलीकॉप्टर बजीस या जैपनीज बजीस जो होता है वो ब्रीड कराऊँगा। तो ब्रीडिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बजीस को भी प्राइवेसी चाहिए दोस्तों, और अच्छा बजीस का जो मटकी होता है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दोस्तों और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, तो आपको इस हिसाब से बजीस को देना होगा। और आप लोग अगर बजीस से ब्रीड कराना चाहते हो तो आप लोग पट्ठे उठाओ,
पट्टे उठाने के बाद आपको चेक करना है बर्ड्स का पेयरिंग। अगर आप 10 पेयर करके रखे हो या 20 पेयर करके अगर बजीस रखे हो तो उसमें मेल और फीमेल कंफर्म कर लो। मेल कंफर्म करने के लिए आपको मेल का ऊपर का नाक का हिस्सा देखना है, नीला होगा और फीमेल में ब्राउनिश या वाइटिश होगा। जब ये लोग ब्रीड पे आते हैं तब ये इस तरीके से ब्राउनिश हो जाते हैं, फीमेल का जो नाक का ऊपर का हिस्सा होता है। तो आपको इस तरीके से बजीस को पहचानना है कि कौन सा बजीस जो है ब्रीड करने वाला है या ब्रीडिंग मूड में है। तो इस तरीके से आपको अपने कॉलोनी या केजेस में फॉलो करना है। उसके बाद आपको एक मटकी दे देना है और उसको प्राइवेसी दे देना है। उसके बाद देखना वो जल्दी से जल्दी ब्रीड पे जब आएगा तब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से अपना सीड मिक्स जो है देते हैं हम लोग कंगनी दाना, वो देखना एक दूसरे के मुंह में लेके खाना खिलाएगा। तब आपको समझ लेना है दोस्तों बजीस जो है ब्रीड करने वाला है और बहुत जल्द जो है मीटिंग करके वो लोग अंडे बच्चे भी करने लगेगा। तो गाइस बजीस का कुछ खास ब्रीडिंग फार्मूला नहीं है, आपको सिर्फ अच्छी तरीके से उसको डाइट मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप लोग सॉफ्ट फूड नहीं भी दोगे तो आपको सिर्फ कंगनी सीड डिलक्स कंगनी जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का देके रखना है, तब देखना बजीस का ब्रीडिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से होगा। चलिए गाइस अब जाते हैं फिंचेस की ओर। फिंचेस की ब्रीडिंग लेने के लिए आपको फिंचेस का भी जो पेयरिंग होगा वो आपके पट्टे से शुरू करना होगा। आप पट्टे उठा लो और पट्टे उठाने के बाद मेल फीमेल कंफर्म करो। फिंचेस जो होता है मेल जो होता है इस तरीके से कलरफुल होता है और उसका जो मतलब चोंच होता है दोस्तों, चोंच बहुत ही रेडिश होता है। और ये रहा इसका फीमेल, तो फीमेल और मेल इस तरीके से आप कंफर्म कर पाओगे। उसके बाद आप इसका भी ब्रीडिंग जो है कॉलोनी में लोगे तो बहुत अच्छा होगा। केज में भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, पर केज में आप लोगे तो बहुत अच्छा ब्रीडिंग होगा। ये लोग 5 से लेकर 6 अंडे तक मतलब देते हैं, उसके बाद सारे चिक्स को एक साथ निकालते हैं एक ही टाइम में। तो आपको फ्रेंचेस का भी ब्रीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको देने के लिए आपको इस तरीके से एक मटकी देना होगा और कुछ नेस्टिंग जो नरम नारियल का जो होता है छिलका वो मैंने यूज़ किया है नेस्टिंग की ओर से। और इसको भी मैंने सिर्फ कंगनी और सॉफ्ट फूड दिया है और अच्छा पानी, 2 टाइम इसका भी पानी चेंज करो। अच्छा सॉफ्ट फूड दो और अच्छा कंगनी सीड दो, देखना बहुत अच्छी तरीके से ये भी ब्रीड करता है। तो गाइस 10 या 15 मिनट ही हुआ है मुझे अपना एक फूड दिया हुआ और आप देख सकते हो एक फूड को किस तरीके से इसने खा के ख़त्म कर दिया। और इसका मेल जो है अभी भी अंदर है, अंडे इंक्यूबेट कर रहा है और इसका फीमेल इधर ही बैठा हुआ है, देख सकते हो। शायद इसने 1 या 2 अंडे ले किया है, मैं अभी चेक करूँगा। चेक करने के बाद दोस्तों आप लोगों के साथ इसका ब्रीडिंग का आपको अपडेट दूंगा। तो चलिए गाइस मैंने अपना बॉक्स जो है ओपन कर लिया है और अभी देखते हैं इसके अंदर मेल कहाँ है। तो गाइस मेल तो सामने ही बैठा हुआ है और ये काट भी रहा है। तो गाइस 2 अंडे आप लोग देख सकते हो, गाइस 2 अंडे बर्ड्स ने ले किया है और ये रहा इसका मेल। मेल गाइस बहुत ही मतलब ब्लैक जो कॉकटेल होते हैं उसका मेल जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा किरदार निभाते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड में रहते हैं और इसको सब तरीके से इसका डीएनए में नॉलेज है और ये बहुत अच्छा पेरेंट्स भी होता है। तो इसलिए आप लोग जब भी अपना पेयरिंग लगाओ मतलब कॉकटेल्स अगर पालना चाहते हो इस तरीके से आप लूटिनो और इस तरीके से ग्रे कॉकटेल या ब्लैक कॉकटेल से शुरू करो तो आपके घर में अच्छा खासा ब्रीडिंग आएगा। काफ़ी दोस्त लोग का कमेंट हो सकता है आपके घर में तो बहुत ज़्यादा चिक्स नहीं है, 1 साल से आप पाल रहे। दोस्तों मैं 1 साल से इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि किस तरीके से ये लोग ब्रीड करते हैं, इसलिए मैं इनसे ब्रीड नहीं ले रहा था। अभी हाल ही में दिसंबर से ये लोग एग ले करना चालू कर लिया, लेकिन दिसंबर महीने से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगता है इसलिए वो चिक्स जो है एक्सपायर कर गया सारे के सारे। अभी इस सीजन का मतलब इस साल का 3रा क्लच ये चल रहा है, 2-2 क्लच इसने बहुत अच्छी तरीके से मतलब निकाला है। अभी ये 3रा क्लच चल रहा है, अभी पता नहीं ये किस तरीके से क्लच चलाएगा। तो इसको भी मैं फिर से 1 साल के लिए ट्राई करता हूँ। ट्राई करने के बाद इनसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होता है ब्रीडिंग का या इनका सिम्टम का, क्या इन लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसका सारे मतलब एक्टिविटी का अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोग जो बर्ड्स नए मतलब भाई लोग है, दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, ये लोग जो ब्रीड करने के लिए जो कॉकटेल को लेके जब आएगा तो इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो गाइस कॉकटेल के ब्रीडिंग के लिए आपको 4 फीट बाई 2 फीट का जो केज होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और काफ़ी ब्रीडर से भी बात हुआ, क्यों बेस्ट होता है दोस्तों, ये केज 4 फीट का है, बड़ा साइज का होता है और इसमें आसानी से ये लोग उड़ सकता है, क्योंकि बर्ड्स को
उड़ने का जो प्रॉब्लम, अगर वो बर्ड्स नहीं उड़ेगा तो उसके अंदर चर्बी बैठ सकता है या एक बाइंडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए गाइस मैं इसको 4 फीट बाई 2 फीट का केज दिया हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग भी ट्राई करो। और इसका ब्रीडिंग के लिए आपको बॉक्स का जो साइज होगा गाइस, उसका जो लंबाई है 14 इंच का है और उसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है वो 10 इंच का है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो भी 10 इंच का है। तो इस तरीके से आप बॉक्स का साइज एक मेंटेन करके आप बना सकते हो। और मटकी भी आपको 12 या 13 इंच के करीब बड़ा देना है। और मटकी का जो होल होता है, जो छेद होता है, वो आपको 3 इंच तक रखना है। ऊपर वाले मटकी का मतलब मुँह जो होता है वो बड़ा हो चुका है, इसलिए मैंने नीचे जो केज मतलब मटकी दिया है वो थोड़ा सा छोटा करके दिया है। और ये बर्ड्स जो है अभी ब्रीड शायद करने वाला है, क्योंकि 1 साल से ये भी ब्रीड नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका मेल जो है एक्सपायर हो गया था। ये नया मेल मैंने लेके आए थे। और गाइस ये जो नया मेल मैंने लेके आया है तो इसको क्या करना है, इसको अभी टाइम लगता है क्योंकि इसके एज का कुछ डिफरेंट हो सकता है या अच्छी तरीके से मीटिंग नहीं कर पा रहा है, ये भी हो सकता है गाइस। लेकिन मैंने इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा ब्रीड नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। आप लोग देख सकते हो मैं कहाँ मतलब किस जगह पे मैं अपने बर्ड्स को पालता हूँ, ये जगह पे सही नहीं है दोस्तों, लेकिन 1-2 बर्ड्स के लिए सही है, वही मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर ब्रीड मतलब कॉकोटेल पालना चाहते हो या कॉकोटेल का मतलब नए पट्टे लेके आओ, पहले 8 महीने का या 9 महीने का, ज़्यादा बड़ा बर्ड्स मत लेके आओ, 8-9 महीने का पेयर लेके आओ या पेयरिंग बनाओ। उसको पेयरिंग बनाने के लिए दोस्तों एक ही केज में दोनों बर्ड्स को दे के रखना है। मारपीट करेगा दोस्तों वो लोग, होता है नया नया जब पेयर लगता है तब मारपीट करता है बहुत, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से लेकर 15 दिन के अंदर वो सब ठीक हो जाता है। अगर फिर भी अगर 1 महीने के अंदर पेयरिंग नहीं लेता है तो आप मेल और फीमेल का अंदर चेक करके चेंज कर दो। तो इस तरीके से आपको पेयरिंग बनाना है। पेयरिंग बनाने के बाद आपको नोटिस करना है बर्ड्स का बिजल। कॉकटेल बर्ड्स जो है बिजल करता है बहुत ज़्यादा, और बिजल करता है और फीमेल जो है उसके अट्रैक्ट में उसका मीटिंग पोजीशन में खड़ा होता है। अगर इस तरीके से आपको अगर मतलब कोई भी मतलब नोटिस मतलब दिखाई दे रहा है बर्ड्स इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने बर्ड्स को एक मटकी या बॉक्स प्रोवाइड करो, तब देखना बहुत अच्छा वो लोग मतलब ब्रीडिंग का रिजल्ट देगा। और कॉकटेल के ब्रीड लेने में सबसे ज़्यादा होता है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है प्राइवेसी के ऊपर ध्यान देना होता है। उसका फूड, उसका सीड मिक्स, तीनों चीज़ के ऊपर ध्यान देके ये लोग ब्रीड करता है। अगर आप लोग ब्रीडिंग चाहते हो बर्ड से या अच्छा खासा मतलब पैसे कमाना चाहते हो तो आपको इस तरीके से आपको सारे के सारे सिम्टम जो है देखना होगा और फॉलोअप करना होगा। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर मिल गया तो दोस्तों एक लाइक कर देना, कमेंट करना ज़रूर, अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। मैं हर वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, आप सिर्फ कमेंट करो कौन सा चीज़ का प्रॉब्लम है, आपका भाई शुभंकर ज़रूर से ज़रूर आपका कमी जो है पूरा करेगा। तो गाइज़ मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।